ठीक है, डेटा को समझिए। अभी आपको हम छोटा सा एक काम समझा रहे हैं जो जिससे आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। यहां पे हमने लिखा है 12, फॉर एग्जांपल यहां पे 66, यहां पे कुछ भी 77 समथिंग 99, ऐसा हमने कुछ लिखा है। ठीक है, अब हम चाहते हैं कि ये तो सामने दिख रहा है तो आप आसानी से ऐसा सेलेक्ट करके डिलीट मार सकते हो, नहीं? लेकिन अगर ये कुछ यहां होता, फिर उसके बाद कुछ यहां होता, फिर कुछ यहां होता, तो अभी आपको प्रॉब्लम हो जाती। हम क्या चाहते हैं कि ये हम एक बटन प्रेस करें और ये डिलीट हो जाए, करेक्ट? तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम अपने स्टेप को रिकॉर्ड करें। ठीक है, ठीक है, चाहे स्टेप कोई भी हो सकता है, हम आपको दो स्टेप बता रहे हैं। इसके लिए आपको जाना है व्यू में, व्यू में गए और व्यू में आप देखिएगा, यहां पे आपको दिखाई देगा लास्ट में मैक्रो। ठीक है, दिख गया आपको? अब क्या करना है, मैक्रो में आना है और यहां पे आना है रिकॉर्ड मैक्रो पे। ठीक है, अब ये रिकॉर्ड मैक्रो पे हम जैसे जाएंगे तो आप यहां पे नोटिस करिएगा, इस वाले एरिया में नोटिस करिएगा, कुछ होगा ना? ठीक है, हम यहां से गए रिकॉर्ड मैक्रो पे। ठीक है, अब आप सबसे पहले यहां से आपसे पूछेगा मैक्रो का नाम, तो कुछ नाम देना है। ठीक है, तो हम नाम दे देते हैं क्लियर टेक्स्ट। अच्छा, इसमें स्पेस नहीं चलेगा, ऐसे क्लियर टेक्स्ट ना। उसके बाद उसके लिए आप एक यूज करो शॉर्ट की, शॉर्ट की यूज करोगे। हाँ, हमने यहां पे कहा ए, कौन हल्ला कर रहा बाहर, कौन है? मनीषा क्या बात कर रही है, क्लास चल रहा है? अभी हमने छोटा ए प्रेस किया तो कोई दिक्कत नहीं हुआ, लेकिन अगर हम यहां पे बड़ा ए प्रेस कर देंगे तो वो ले लेगा ऑटोमेटिक शिफ्ट कंट्रोल ए। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको कि आप क्या यूज कर रहे हो। ठीक है, तो हम इसको छोटा ही ले लेते हैं, छोटा ही हमने कर दिया। उसके बाद आप कुछ डिस्क्रिप्शन देना चाहते हो तो दे सकते हो, नहीं देना चाहते हो कोई बात नहीं, हमने कहा ओके। अब ये क्या कह रहा है, देयर इज ऑलरेडी माइक्रो असाइन दिस की, तो आपको की चेंज करना पड़ेगा, हम एच दे देते हैं। ठीक है, चेंज कर दिया, नहीं ले रहा था वो, तो देखिए यहां पे कुछ आ गया। ठीक है, यानी कि रिकॉर्डिंग अब स्टार्ट हो गई। ठीक, अब हम क्या करते हैं, सबको सेलेक्ट करके और डिलीट मार देते हैं। अब ये क्या था, मेरा एक स्टेप था डिलीट करना, था या नहीं था? याद रहे कि हमारा कहां से कहां तक डिलीट हुआ है, H4 से H15 और L4 से L15, याद रखिएगा। ठीक है, अब हम माइक्रो को स्टॉप कर दे रहे हैं, हमने एक एरिया सेलेक्ट किया और उसमें जितनी भी चीजें थी सबको क्लियर कर दिया, डिलीट कर दिया, एक स्टेप यूज किया। अब हम यहां जाते हैं और स्टॉप माइक्रो कर दिया, क्लियर हो गया। ठीक है, अब हम यहां पे जी जी और इसको फिल करा देते हैं, ऑटो फिल करा देते हैं यहां तक, और इसी को हम आगे तक ऑटो फिल करा देते हैं यहां तक। ठीक है, अब जैसे हमने क्या क्या यूज किया था, कंट्रोल प्लस एच, तो जैसे हम कंट्रोल प्लस एच यूज करेंगे तो देखिए जहां तक का सिलेक्शन था वो क्लियर हो गया एक ही बार में। मैक्रो समझ में आया आपको कि नहीं आया, कोई इशू यहां तक? नहीं ना? तो अब बताइए कि जो प्रोजेक्ट हमारा बना है उस प्रोजेक्ट में हम मैक्रो यूज करके ये डेटा क्लियर करा सकते हैं, है? यहां पे इसको क्लियर करा सकते हैं, और भी चीजें जो इसमें फील की गई है जैसे क्वांटिटी हमको डालना है उसको हम क्लियर करा सकते हैं,
तो बिल हमारा क्या हो जाएगा, रिफ्रेश हो जाएगा। बात क्लियर समझ में आ गई या नहीं आ गई, कोई दिक्कत है यहां तक, बताइए आप लोग। नहीं आया समझ में? आपने क्या किया, आपने, आपके पास एक ब्लैंक फॉर्मेट है, आपने उसमें कस्टमर सेलेक्ट किया, कस्टमर के डिटेल फिल हो गए, उसके बाद आपने प्रोडक्ट सेलेक्ट किया, क्वांटिटी डाला, बिल जनरेट हो गया, बिल आपने प्रिंट कर दिया। अब आपको जब दूसरा कस्टमर चाहिए तो बाकी चीजें ब्लैंक हो, जैसे क्वांटिटी ना रहे, आइटम ना रहे, कस्टमर का नाम ना रहे, ठीक है, या जहां जहां आपने लिखा है वो सब कुछ क्लियर हो, ठीक है ना। तो आप उसमें क्या करोगे, माइक्रो यूज करोगे और उस टेक्स्ट को डिलीट कर लोगे, क्लियर हो गया। और उसके लिए एक शॉर्ट की आप जनरेट कर लोगे, अपना एक शॉर्ट की बना लोगे। तो जब भी आप उस शॉर्ट की को प्रेस करोगे, सपोज करो कि आप बिल बना रहे हो और बीच में ही आपसे लगे कि हम, मेरा कुछ गलती हो गया, हमको दूसरे कस्टमर का बनाना था, हम दूसरे कस्टमर का बना रहे हैं, तो अभी सब चेंज करना पड़ेगा, तो उससे बेटर है कि हम क्लियर कर दें। किसी भी पॉइंट पे आपको लगे कि नहीं ये बिल गलत हो गया, हमको फिर से बनाना है, तो अभी सबको हटाना पड़ेगा ना, तो 10 जगह हटाने से बेटर है कि हम एक बार मैक्रो रिकॉर्ड कर दें और उस शॉर्ट की को यूज करें, जिससे वो पूरा का पूरा बिल फिर से दोबारा नया हो जाए, यानी कि क्लियर हो जाए। क्लियर होगी कहानी, कोई दिक्कत यहां तक? हाँ, जितना जितना आपको क्लियर करना है उसको उसको आप सेलेक्ट करते जाओगे, सेलेक्ट करने करते जाओगे, आप उसको डिलीट करते जाओगे, तो वो मैक्रो में रिकॉर्ड होता चला जाएगा, ठीक है। उसके बाद मैक्रो को आपको स्टॉप करना। तो मैक्रो का एक पूरा कंसेप्ट है, हम आपको पूरा आज नहीं बता पाएंगे, टाइम ज्यादा हो गया, तो फिर नेक्स्ट डे हम इसको कराते हैं, ठीक है। बाकी यहां तक में कोई इशू नहीं ना? ठीक है।